Hi, welcome to my channel. This video we solve carrying question number 3. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 7.7 cm, BC is equal to 6.8 cm, CD is equal to 5.1 cm, AD is equal to 3.6 cm, and angle C is equal to 120 degree. Means all the four sides are given and one angle is also given. तो यहाँ पर सबसे पहले आप rough diagram एक draw कर लेंगे और ये sketch करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले construction का जो step है वो जो एंगल दिया रहता है उससे अटैच्ड दो साइड्स दिए रहते हैं उन दोनों में से किसी एक से स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा आप इस एंगल से जो दिया हुआ है यहाँ पे 120 उससे अटैच्ड मतलब बीसी से, या तो बीसी ड्रा करिए पहले या फिर सीडी ड्रा करिए. सबसे पहले हम बीसी ड्रा करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो BC हमने 6.8 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया, नोट कर लेते हैं. अब ध्यान दीजिएगा, C पॉइंट पर हम बनाएंगे 120 डिग्री एंगल. तो इसके लिए यूज करेंगे हम कंपास. तो यहां पर आपको बनाना है 120 डिग्री. और तो यहां से काउंट करेंगे, इधर से देखेंगे कि इधर से कितना 120 कहां पे है. आप देख सकते हैं कि 120 आपका यहां है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके 120 यहां मिल जाएगा. आप नीचे वाले स्केल को देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे. ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जो हम एंगल बनाते हैं तब के लिए होता है, और जो नीचे वाला है वो लेफ्ट से राइट की तरफ. तो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना, इधर से. ये पहले हमने ड्रा किए तो पहले ऐसे बना रहे हैं ना, हम ऐसे जा रहे हैं. इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर से नीचे वाले को काउंट करेंगे. तो 120 यहाँ पर देख रहे हैं आप. तो 120 पर एग्जैक्टली हम एक पॉइंट ले लेंगे. आप देख सकते हैं 120 पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है. तो अब क्या करना है कि आपको इस पॉइंट जो यहाँ पे मिला हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट के डायरेक्शन में सी से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि इसका लेंथ जो है 5.1 सेंटीमीटर ना हो जाए. ठीक है, सी पॉइंट से एक्सटेंड करेंगे, इसका एक लेंथ लेंगे इस डायरेक्शन में, कितना 5.1 सेंटीमीटर लेंथ का. चलिए ड्रा कर लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर. ओके, तो हमने ड्रा कर लिया 5.1 सेंटीमीटर. तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट है आपका डी. अब हमें बी और डी पॉइंट को सेंटर मान करके बी पॉइंट से 7.7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे और डी पॉइंट से 3.6 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के दूसरा आर्क खींचेंगे. दोनों जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जो कि पॉइंट ए होगा. तो लेट अस डू दैट. ओके, तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रा कर लिया है. आपका पॉइंट है ये ए, तो यहां पर हम ए लिख लेंगे. अब ज्वाइन कर लेंगे बी ए एंड डी ए. दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल वी हैव कंस्ट्रक्टेड. सो यदि आपको समझ में आ गया कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं. और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप मेरा वीडियो मिल सकता है जब मैं अपलोड करूँगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.